मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है सेकंड फिजिक्स में, किरण प्रकाश की। काफी महत्वपूर्ण है, कंटिन्यू आप सारे क्लासें लें और इनको समझें। कल अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों की व्यंजक व्युत्पन्न किए थे। आज नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है यह भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। जिसे प्रकाश का परावर्तन पड़ा था उसी प्रकार से अपवर्तन भी है। परावर्तन क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक सतह पर आपतित होती है तो इस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहा था। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होगा कि एक सतह होगी, एक सतह जो कि दो माध्यमों को पृथक करेगी, एक सतह होगी जो कि दो माध्यमों को पृथक करेगी। यहां पे एक होगा माध्यम वन और एक होगा माध्यम टू। इसका अपवर्तनांक होगा म्यू वन और इसका अपवर्तनांक होगा म्यू टू, ठीक है। जिसमें एक की घनत्व ज्यादा और एक का घनत्व कम, जिसका घनत्व ज्यादा होगा सघन माध्यम और जिसका घनत्व कम होगा वो विरल माध्यम। उसकी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे अभी। तो जब कोई प्रकाश किरण, यहां पे एक अभिलंब है, तो अभिलंब से कोण बनाती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये हो गई आपतित किरण। ये क्या हो गई? आपतित किरण। और जब ये इस माध्यम से टकराएगी तो ये इसका कोण हो गया, आई कोण हो गया, ठीक है। तो जानी कैसे चाहिए थी? बिल्कुल यहां सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। या तो ये अभिलंब है, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी इधर की साइड, या अभिलंब से दूर हट जाएगी। और ये अभिलंब से अपने पथ से जो विचलित होने की घटना है, इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मैंने यहां पे कहा है कि ये इसकी तरफ झुक जाती है, तो देखो इस प्रकार से, और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। तो इसी घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या अपनी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनको जो सेपरेट करने वाली, जो अलग करने वाली सतह, उससे टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुई डेफिनेशन? बड़ी ही आसान है, पहले भी अपन पढ़ चुके। स्टार्टिंग में अपने कहा था कि अगर कोई एक माध्यम लेते हैं आप, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो नियत रहता है। प्रकाश का वेग जो क्या है? नियत रहता है। लेकिन देखो यहां पर माध्यम चेंज हो गया, और माध्यम चेंज हो गया तो माध्यम चेंज होने से उसका वेग भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। क्या होगा? परिवर्तित होगा। और यहां पर मुख्य जो कारण है प्रकाश के अपवर्तन का वो यही है, जो विचलन का कारण हो यही है कि जो प्रकाश है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होता है। तो यहां माध्यम चेंज हुआ तो वेग चेंज हुआ, और वेग चेंज हुआ तो उस स्थिति में वो है अपने पद से विचलित हो जाती है। क्लियर है? तो कारण समझ में आया प्रकाश के अपवर्तन का कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के वेग का मान अलग अलग होता है, जिसके कारण परावर्तन की घटना होती, सॉरी अपवर्तन की घटना होती है। क्लियर है? एक चीज तो ये, अब वो मैंने अभी कहा कि या तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। तो कौन सी स्थिति में पास आएगी और कौन सी स्थिति में दूर जाएगी, उसके क्या कारण है? दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। क्लियर है? विरल माध्यम का जो घनत्व है वो घनत्व कम होता है और सघन माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है।
ठीक है, इसमें कण दूर दूर होंगे, इसमें कण पास पास होंगे। सामान्यतया विरल माध्यम के रूप में अपन वायु या हवा को लेते हैं और सघन माध्यम के रूप में अपन कोई भी ले सकते हैं, पानी ले लिया, कांच ले लिया, ठीक है, और भी माध्यम पारदर्शी माध्यम होंगे, दोनों पारदर्शी माध्यमों को लेते हैं। क्लियर है, ये तो हुए सघन और विरल, पता चले कौन से होंगे। अब विरल जो माध्यम होगा, ध्यान से सुनना, विरल जो माध्यम होगा उसमें प्रकाश किरण जब जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और सघन माध्यम से अभिलंब के पास आएगी। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे देखना, ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है, ये है अभिलंब है, ठीक है, और पहला ऊपर मैंने लिया है विरल माध्यम, क्या लिया है विरल माध्यम म्यू वन, ठीक है, दूसरा मैंने लिया है सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक लिया है म्यू टू, और यह है अभिलंब, नॉर्मल है एन एंड एस। अब कोई प्रकाश किरण, ये सघन माध्यम है तो सघन के रूप में मान लो अपने पानी ले लिया, जल ले लिया, ऊपर हवा है, तो यहां पे कोई कोण बनाती हुई आपतित होगी, ये आपतित किरण इस अभिलंब से कोई कोण आई बनाती हुई आपतित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात ये सघन माध्यम है तो अभिलंब के पास आएगी, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन जाएगी कैसे, इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप इसको सीधी कंसिडर करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा आर, ये होता है अपवर्तन कोण, और ये किरण होगी अपवर्तित किरण, कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, और ये होगी आपतित किरण। क्लियर है, और अगर दूसरी कंडीशन लू मैं कि पहले आपने कौन सा माध्यम लिया है, सघन माध्यम लिया है, ये कौन सा है, सघन माध्यम है, ठीक है, म्यू वन, और ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम म्यू टू, अभिलंब, तो अभिलंब से कोई कोण बनाती हुई प्रकाश किरण आपतित हुई, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे। क्लियर है, ये अभिलंब है एन एंड एस, तो ये इस कोण का मान बढ़ जाता है, तो ये है अपवर्तित किरण, कौन सी किरण, अपवर्तित, और ये किरण कौन सी, आपतित किरण। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है कि जब विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आती है, अभिलंब की ओर झुकती है, जबकि सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर है, ये तो आपके पास में प्रकाश का अपवर्तन के कुछ कंसेप्ट थे। नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, तो नियम देखो, जैसे परावर्तन के थे वैसे ही अपवर्तन के भी नियम होंगे, क्या होते हैं, पहला वही नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और एक ही बिंदुगामी होते हैं। देखो यहां पे एक ही तल में है और एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, देखो अभिलंब है, आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, और एक ही तल में है, कोई सा भी तल हो, चाहे एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, उसी तल में स्थित होते हैं। क्लियर है, दूसरा नियम काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने आप, दूसरा ये है कि आपतन कोण है, आपतन कोण देखो ये रहा आई, इसकी ज्या, ज्या मीन्स साइन, कोज्या होता है कोसाइन, दोनों लिख देता हूं, कोज्या तो होता है कोस और ज्या होता है साइन, ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के तुल्य होता है, एक नियतांक के तुल्य होता है, ठीक है, और ये नियम ऐसे लिखा जाएगा कि आपतन कोण की ज्या साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, देखो दोनों का अनुपात किसके तुल्य होगा, नियतांक के तुल्य होगा, किसके तुल्य होगा, नियतांक के तुल्य होगा, और इसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम से भी पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। अगर मैं नियतांक की बात करूं तो यहां नियतांक होगा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक,
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कैसे लिखा जाएगा, म्यू टू वन। यह वन के सापेक्ष टू का अपवर्तनांक, क्या है, वन के सापेक्ष टू का अपवर्तनांक, या फिर वन के सापेक्ष टू का अपवर्तनांक कितना है उसको लिखा जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन, मीन्स वन के सापेक्ष टू का अपवर्तनांक कितना। तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू वन। इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, और अगर इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, साइन आई इंटू म्यू वन, तो ये बन जाएगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ये भी अपने पास इसकी दूसरी फॉर्म होती है। तो ये सभी जो समीकरण लिखे हैं मैंने, ये सभी स्नेल के नियम को व्यक्त करते हैं, क्लियर है। तो यहां से दूसरा काफी महत्वपूर्ण नियम, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये कहते हैं कि अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक के तुल्य होता है या नियतांक होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो। और यदि वह नियतांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और क्रॉस में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जहां पे म्यू टू वन मैंने बताया क्या है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय का अपवर्तनांक है, क्लियर है। तो एक चीज आपके पास में इंपॉर्टेंट ये आ रही है, तो दोनों ही नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसमें स्नेल का नियम काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट यहां पे कुछ कंसेप्ट और आते हैं। देखो, अपने को पता है कि जो अपने पास निर्वात है उस निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम, पता आप लोगों को कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। अगर निर्वात के स्थान पर कोई मैं दूसरा माध्यम लेता हूं, ठीक है, उस कंडीशन में उसकी चाल, अगर मैं क्या कहूं कि मैंने निर्वात के स्थान पर माध्यम लिया है, तो उसकी चाल कंपेयर टू निर्वात क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो कितने गुना कम होती है, वही अपने पास उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहां अपवर्तनांक की डेफिनेशन लिख सकते हो आप पे, म्यू बराबर होता है प्रकाश की निर्वात में चाल अपॉन में प्रकाश की माध्यम में चाल। तो प्रकाश की निर्वात में चाल व प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है, जिसे म्यू से लिखते हैं, क्लियर है। तो ये सी तो गया निर्वात में चाल, और वी हो गया किसी माध्यम में चाल, और जिस माध्यम में चाल है उसी माध्यम का ये क्या लिया जाएगा, अपवर्तनांक, ठीक है। इसकी भी मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड यूनिट, दोनों का मात्रक समान, इसका मतलब म्यू का मात्रक कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, म्यू मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, ठीक है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है, जिसकी कोई दिशा नहीं। लेकिन ये जो है म्यू का मान वो किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो करेगा माध्यम की प्रकृति पर, किस पे करेगा, माध्यम की प्रकृति, कैसा माध्यम है, और दूसरा अपने पास डिपेंड करेगा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, लैम्डा से लिखते हैं अपन, तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, क्लियर हुआ क्या, बात समझ में आई, ठीक है। ये तो अपने पास कुछ बातें थी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अपन ने बात की थी परावर्तन में, परावर्तन में ये कहा था कि उसमें ना तो उसकी चाल परिवर्तित होती है, ना उसकी तरंगदैर्ध्य परिवर्तित होती है, ना आवृत्ति, केवल उसकी तीव्रता परिवर्तित हो सकती है। यहां पर अपवर्तन में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो सकती है, कंफर्म नहीं है बट हो सकती है, क्लियर है। ये चीजें थी प्रकाश के अपवर्तन की। तो अपवर्तन समझ में आया। अब दैनिक जीवन में अपन कुछ घटनाएं देखते हैं जो कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं, और इसमें से कंपिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, उनमें से ये कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन सी घटना है, तो उनमें आपको एक करना है। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पहली घटना है तारों का टिमटिमाना। तारे अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं, क्यों देते हैं, देखो जैसे कि यहां पे तारा है, स्टार है अपने पास में, ये स्टार है,
और स्टार से जब प्रकाश किरण निकलेगी वो जब पृथ्वी तक पहुंचेगी तो उसको वायुमंडल की काफी परतों को पार करके जाना होगा। और वायुमंडल की प्रत्येक परत का घनत्व क्या होता है? भिन्न होता है। और प्रत्येक का घनत्व भिन्न होगा तो कोई सघन होगी तो कोई विरल होगी। इस स्थिति में मैं ये कहूंगा कि वहां पे प्रत्येक का वेग क्या होगा? डिफरेंट। प्रत्येक में वेग क्या होगा? डिफरेंट। वेग डिफरेंट होगा तो किसी में तो अभिलंब से दूर हटेगी, किसी में अभिलंब के पास आएगी, किसी में अभिलंब से दूर हटेगी, किसी में अभिलंब से पास आएगी। तो इसके परिणाम स्वरूप जब अपनी आंख तक, यहाँ पे एक प्रेक्षक खड़ा है, अपनी आंख तक जो वो प्रकाश किरण पहुंचेगी तो प्रत्येक क्षण वहां वायु का प्रवाह होने से अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है। अपवर्तनांक में परिवर्तन होते से प्रत्येक क्षण अपनी आंख की रेटिना पर पहुंचने वाली जो प्रकाश किरण है उसकी स्थिति परिवर्तित होती है। उसकी स्थिति क्या होती है? परिवर्तित होती है। और स्थिति परिवर्तित होगी तो तारे अपने को एक जगह दिखाई ना देकर उनकी स्थिति बार बार थोड़ी थोड़ी चेंज होती दिखाई देती है, जिसको अपन कहते हैं कि तारे क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। तारे क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। तो ये रीजन है तारे कैसे टिमटिमाते हैं। पहली बात तो एग्जाम्पल किसका है? अपवर्तन का। अब कारण क्या है? कारण मैंने बताया वायुमंडल में जो सभी गैसें हैं उनका अपवर्तनांक अलग अलग होने से इसमें अलग अलग स्थितियां दिखाई देती हैं, जैसे तारक टिमटिमाते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय व सूर्य अस्त। सूर्योदय व सूर्य अस्त के, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना क्या कारण है? वास्तविक रूप से सूर्योदय अभी नहीं हुआ लेकिन उससे पहले भी अपने को सूर्योदय दिखाई दे देता है, या सूर्यास्त हो जाने के कुछ समय बाद कुछ मिनट तक अपने को सूरज दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। क्यों? इसका कारण यह है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर अभी मैंने बताया कि वायुमंडल की परतें होती है, लेकिन जो इसके बिल्कुल नजदीक परत होती है उनका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। उनका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा तो उस स्थिति में उनको अपन क्या कहेंगे? वो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो मान लो कि ये है क्षितिज और वास्तव में सूर्य यहां है। वास्तव में कहां है सूर्य? यहां पे है। ये इसकी वास्तविक स्थिति है। तो जब यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी तो विरल से सघन, क्योंकि जो जो पृथ्वी की ओर बढ़ेंगे तो विरल से सघन होगी और विरल से सघन की तरफ प्रकाश किरणें जाएंगी। तो जब सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आपको अभी बताया था मैंने अभिलंब की ओर झुकती हैं। क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुकती है। तो प्रकाश किरण यहां जाएगी तो यहां जाने की बजाय वो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर इधर जाने की बजाय इधर झुकेगी, फिर इधर झुकेगी। इस प्रकार से यहां जो प्रेक्षक खड़ा है उसको जो लास्ट वाले प्रकाश किरण आएगी उसके अनुसार ये सूर्य कहां दिखाई देगा? यहां दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? यहां पे दिखाई देता है। तो उसको लगेगा कि सूर्य कहां है? यहां पे है। तो ये इसकी आभासी स्थिति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को सूर्य दिखाई देता है, वास्तविक की स्थिति होने पर भी आभासी दिखाई देता है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुकती जाती है। सेम यही कंडीशन सूर्यास्त में होती है। सूर्यास्त में भी वो अस्त हो गया बट जब प्रकाश किरणें ऊपर की तरफ आएंगी तो सघन माध्यम की ओर झुकती जाएंगी, सघन माध्यम में, और झुकती हुई अपने को यहां पे ऐसे लगेगा कि सूर्य अभी भी यहां पे, जबकि वो क्षितिज से नीचे जा चुका होता है। ठीक है, तो ये पास की स्थिति होने, सूर्य जो वायुमंडल की जो पृथ्वी के पास की जो परतें होती हैं वो सघन होने से ऐसा होता है। और ये जो अंतराल है वास्तविक और आभासी में लगभग 2 मिनट का होता है। 2 मिनट का सुबह, 2 मिनट का शाम को, मतलब टोटल 4 मिनट का दिन में वास्तविक स्थिति में अपने को फर्क महसूस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट स्थिति जो है वो ये है कि पानी में डूबी हुई किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी में डूबी हुई किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। कोई पानी से भरा टब है, उसमें अगर इस पेंसिल को अपन थोड़ा सा तिरछा रखें तो आगे से ये सीधी ना दिखाई देकर मुड़ी हुई दिखाई देती है।
क्यों दिखाई देती है, उसके पीछे क्या कारण है। देखो जैसे कि मान लो कि ये पानी का टब था और इस पानी के टब में इतना ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है और यहां पे पेंसिल को, ये छड़ को आपने ऐसा रखा है, ये छड़ को रखा है, ठीक है। अब यहां से जो प्रकाश किरणें जाएंगी, देखो पानी हो गया कैसा, सघन, और बाहर क्या है, वायु, कैसा हो गया, विरल। तो जब यहां से प्रकाश किरणें जाएंगी, देखो ये प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, तो ये प्रकाश किरणें यहां पे अभिलंब है, तो जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन विरल माध्यम में जा रही तो अभिलंब से क्या होंगी, दूर हटेंगी, अभिलंब से क्या होंगी, दूर हटेंगी, और यहां पे जो प्रेक्षक है उसको लगेगा कि ये प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, ये प्रकाश किरणें यहां से आ रही हैं, और ये स्थिति अपने को ऐसा लगेगा कि ये पेंसिल यहां से मुड़कर केवल यहीं पे है, क्योंकि ये इसका कोना यहां दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्यों दिखाई दिया, क्योंकि सघन पानी था, जल था, उससे विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटी, और अभिलंब से दूर हटने पर प्रेक्षक को ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहां से आ रही हैं, तो जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहां पर मिलती हैं, और यहां पर मिलने से इसकी स्थिति ऐसी दिखाई देगी, तो यहां तो सीधी, फिर यहां से मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो मुड़ी हुई दिखाई देना क्या मतलब है कि ये लगेगा कि ये छड़े मुड़ी हुई है, इसका कारण ये है, क्लियर है। नेक्स्ट है, द्रव से भरे पात्र में, द्रव से भरे पात्र के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यही कारण है, यही कारण जो ये वाला कारण था। जैसे मान लो कि ये पात्र था और इस पात्र में ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो वो पेंदे से टकराकर अपनी आंखों तक पहुंचेंगी, तो पेंदे से टकराकर वो ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये क्या है यहां पे, अभिलंब है, तो अभिलंब से जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी, क्या हटेगी, दूर, और यहां पे प्रेक्षक है, जब दूर हटेगी तो ये प्रकाश किरण इसको क्या लगेगा, कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ठीक है, और अपने को ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण है यहां से आ रही है, तो पैंदा यहां ना होकर कहां पे है, यहां पे है, तो एक किरण आप यहां पे और लिख सकते हो, जो अभिलंबवत आपतित होती है वो अभिलंबवत ही वापस चली जाती है, ठीक है, अपवर्तित हो जाती है, तो ये इस प्रकार से आई थी और ये इधर ही चली गई, अभिलंबवत जाएगी, ठीक है। तो अपने को ऐसा लगेगा जब ये दोनों किरणें यहां मिलेंगी तो इसका वास्तविक पैंदा पी पर था, लेकिन आभासी अपने को कहां दिखाई देगा, पी डैश पर दिखाई देगा, ठीक है, तो अपने को ऐसा लगेगा इसका पैंदा ऊपर की तरफ ही है, तो गहराई कम नजर आती है, क्लियर है। तो ये नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हुआ, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ एग्जाम्पल, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल में भी होगा आपके पास में, कांच की पट्टी का, कांच की पट्टी का द्वारा अपवर्तन, इसमें दो बार अपवर्तन होगा भाई, ठीक है। देखो एक कांच की पट्टी का है, आयताकार पट्टी का ली, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से ये प्रकाश किरण, ये अभिलंब है, देखो अंदर क्या है, कांच, बाहर क्या है, हवा, फिर बाहर क्या है, हवा, तो पहले हवा से कांच में जाएगी, जब हवा से कांच में जाएगी तो देखो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण ये आपतित हुई किसी एंगल आई पर हुई, अब हवा से कांच में जा रही है, विरल से सघन में, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन अभिलंब की ओर झुक कर ऐसे जाती है, क्लियर है। ये प्रकाश किरण गई, अब यहां पुनः अभिलंब था, अभिलंब था तो अब ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन देखो कांच से हवा में, सघन से विरल में, सघन से विरल में क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, और अभिलंब से दूर हटेगी तो
इस प्रकार से प्रकाश किरणें जाती है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आई वन, इसको आप आई टू कह सकते हो, और सॉरी आर वन कह सकते हो, और ये एंगल हो जाएगा आई टू और ये आर टू। तो जानी तो देखो ऐसे चाहिए थी और गई है ऐसे, तो यहां जो प्रेक्षक है उस प्रेक्षक को लगेगा कि यह प्रकाश किरण इधर से आ रही है, मीन्स वास्तविक से पीछे की तरफ हट गई, और वास्तविक स्थिति से जितना इसमें पीछे की तरफ विस्थापन हुआ है उसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन, इसे डी से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये पार्श्विक विस्थापन होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं, तारों का टिमटिमाना, इनमें कोई सी भी एग्जाम्पल को पूछा जा सकता है। ज्यादा महत्वपूर्ण कांच की पट्टी का द्वारा अपवर्तन वाला, बाकी सभी महत्वपूर्ण है, और प्रकाश की अपवर्तन की डेफिनेशन। तो तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त होने के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना, पानी में डूबी हुई किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, द्रव्य से भरे पात्र के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और कांच की पट्टी का द्वारा अपवर्तन या पार्श्विक विस्थापन, ये सब चीजें अपने पास अपवर्तन की घटना की होती है। क्लियर है? तो एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे आप लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें। चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, ये यूनिट जो है वो टोटल 9 नंबर की यूनिट आती है, तो इनमें से एक चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दूसरे चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहीं से भी आ सकता है, काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके आप इसको पढ़ें, सारे वीडियोस देखें। क्लियर है? धन्यवाद।